हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुजल सादे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आया हूँ दिल्ली के रेल म्यूज़ियम में। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर नया है, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ से टिकट लेते हैं अंदर जाने के लिए। चलिए तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ की टाइमिंग की। ये सुबह 10 बजे खुलता है और शाम 5 बजे ये म्यूज़ियम बंद हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ के टिकट प्राइस की। यहाँ का टिकट प्राइस एडल्ट का है 50 रुपीज़ एंड 3 से 12 ईयर चाइल्ड का है 10 रुपीज़ की। हर इवेंट एडल्ट के हैं 100 रुपीज़ एंड चाइल्ड के हैं 20 रुपीज़। तो दोस्तों, मैंने टिकट ले लिया है, चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, अब हम अंदर आ चुके हैं, देखिए। चाणक्यपुरी नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय भारत में रेल परिवहन के इतिहास पर प्रदर्शित करता है। संग्रहालय का उद्घाटन 1 फरवरी 1970 को किया गया था। संग्रहालय 11 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। इंडोर गैलरी में एक इमारत शामिल है जिसमें 6 प्रदर्शनी दीर्घ और एक रेलवे यार्ड के वातावरण को अनुकरण करने के लिए एक बड़ा खुला क्षेत्र रखा गया है। यह सोमवार को छोड़कर हर दिन खुला रहता है। जॉन मॉरिस फायर इंजन है, 1914 में चल रही थी, देखिए। आपको मेरे पीछे रेल म्यूज़ियम दिख रहा होगा, चलिए हम इस म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ बोर्ड पे हिमालयन रेलवेज के बारे में बताया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रेन का एक कोच है। इस ट्रेन कोच का नाम है महात्मा गांधी अस्थि कोच। इस बोर्ड पे बता रखा है कि हमारी पहले की रेलवे सुविधा कैसी थी और अब कैसी हो गई है। देखिए दोस्तों, ट्रेनों के लिए पहाड़ों में सुरंग किस तरह बनाई जाती है। इस मैप में जो ग्रीन डॉट बता रहे हैं कि कहां कहां ट्रेनें चल रही हैं भारत में। तो दोस्तों, ये रही वंदे भारत। देखिए दोस्तों, इसमें ट्रेन सिग्नल्स के बारे में समझाया गया है।
शायद ये ट्रेन्स के लीवर्स हैं। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल बिल्डर एंड नंबर प्लेट्स हैं सारी ट्रेनों की। ये दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ सभी ट्रेन्स के मॉडल्स रखे गए हैं। दोस्तों मुझे यहाँ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो यहाँ विज़िट कर सकते हो। दोस्तों अभी हमने ट्रेन को खुशी खुशी विदा किया है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये दोस्तों अंदर से कैसी है, कहाँ कैसे स्टार्ट होती है देखिए दोस्तों। चले दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों इस ट्रेन का नाम है द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, जिसमें कई भेड़ जानवर लाए जाते थे इस ट्रेन में। देखिए दोस्तों मेरे पीछे दिख रहा होगा दार्जिलिंग, ये ट्रेन दार्जिलिंग में चलती है देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब ऊपर चल के देखते हैं ऊपर क्या क्या है। चलिए तो मैं यहाँ रखा था ब्लॉग बनाने के लिए रेल म्यूज़ियम में, पर लेकिन दोस्तों यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई है जिस कारण ब्लॉग नहीं बन पा रहा। पर दोस्तों यहाँ दिल्ली में काफ़ी राहत मिली है बारिश से हमको, देखिए किस तरह बारिश हो रही है यहाँ पूरे उसमें। तो चलिए दोस्तों अभी जब बारिश रुकेगी फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना व्लॉग। A few moments later. देखिए दोस्तों किस तरह स्ट्रक्चर से हमें दिखाया गया है कि ट्रेन की पटरियां कैसे फैलाई जाती हैं पूरे स्टेट में। ये देखिए दोस्तों लोटस टेंपल, ये देखिए दोस्तों दिल्ली का रेलवे स्टेशन।
दोस्तों मैं रेल म्यूज़ियम से बाहर आ चुका हूँ। दोस्तों रेल म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा बन रहा है, अंदर से काफ़ी पुराने टाइम की रेल है ओल्ड, उसकी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों आप भी आएँ देखें, यहाँ पर जो दिल्ली में नहीं रहते हैं वो भी। आई होप दोस्तों आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये व्लॉग कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आगे फिर नई वीडियो के संग फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद।